गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है ट्वेंटी ट्वेंटी आइए करेंसी मार्केट में कल ओवरनाइट में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके लिए चार्ट में चलते हैं दिस इज योर डॉलर इंडेक्स चार्ट जहां पे डॉलर इंडेक्स अभी है 106.72

जी डी पी डेटा अगर बेटर आते हैं हायर नंबर आते हैं तो ये ट्रेजर ईल को और भी ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं एज वेल एज द डॉलर इंडेक्स ऑल्सो मेगेट स्ट्रेंडें Q3 GDP data के ऊपर नजर हमारा होगा सो लेट्स इंडेक्स जो अभी 106.72 पे है ये आपका दो दिन पहले लो जो आया था 106, 105.36 वहां से बाउंस बैक किया अभी 106.72 यहां यहाँ पे ये जो लोअर लो low को टच करके लोअर ऊपर गया नहीं है अभी एक रिस्की जोन आ चुका है क्या रिस्की जोन है पहले देखते हैं ये हाई हो गया ये रिसेंट लो उसके बाद ये एक हाई था जो लोअर देन द मेकिंग लोअर हाई इस लो को तोड़ना था जो यहाँ पे आया है लोअर लो लौ. अभी सो so यहाँ पे अभी तक क्या था लोअर है लोअर लो सो मार्केट शुड गो इन डाउन ट्रेंड लेकिन ये जो करेंट प्राइस इश शुड नॉट डिस्टर्ब द प्रीवियस स्विंग हाई ये वाला जो हाई है इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इसको अगर डिस्टर्ब करेगा इन सच डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है ऊपर चला जाएगा इन सच अगेन इट विल मेक हायर हाई सो मार्केट विल बी चौपी वॉलेटाइल एंड मूवमेंट करने के लिए हो जाएंगे इन सच ए केस सो इसके हाई के ऊपर जाना नहीं चाहिए

लेकिन फ्रस्ट्रेशन नहीं पालना है क्योंकि सडनली ये चला मुरारी हरिद्वार यानी कभी ये अपना डायरेक्शन में दौड़ पड़ेगा किसी को हवा नहीं है जब तक यहाँ पे इनविजिबल देयर ऑन हायर साइड इज 8325 से 8335 के बीच में तब तक बढ़िया है सब कुछ सेट है लेकिन सडनली अगर इनविजिबल हैंड्स थोड़ा सा छुट्टी लेते हैं पॉज लेते हैं थोड़ा सा डिसाइड करते चलो ठीक है अभी मार्केट को थोड़ा सा अलाउ करते हैं ऊपर जाने के लिए तो 8350 4550 के ऊपर एक एब्रप्ट अप मूव मेबी टुवर्ड्स 8370 से 84 के तरफ 8370 से 8390 के तरफ एक जा सकते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर के कारण सो वी नीड टू बी इक्वली अलर्ट जैसे ही 834550 आएगा वहां पे जा सकता है गारंटी नहीं है ऐसा भी हो सकता है इन्विजिबल हमारे साथ खेल सकते हैं क्या खेल सकते हैं थोड़ा सा फोर्टी फाइव फिफ्टी लेके जाके चल भाई अभी फिर इंटरविन करते हैं तो हम लोग वहां पर लॉन्ग बैठेंगे और मार्केट नीचे फिर दोबारा एट्टी थ्री फिफ्टी ट्वेंटी तक आ जाएगा सो ये जो इनविजिबल माइटियर हैंड है सो उसके अगेंस्ट में पंगा नहीं लेना है जो भी करना है अगर एट्टी थ्री फिफ्टी के ऊपर लॉन्ग खेलना है

रेस्पेक्ट द मार्केट डॉलर यन 150.43 ये 150 के ऊपर चला गया है सो so, काफी हम लोग सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं एंड मार्केट ऊपर ही जा रहा है ये आई एन आर ये नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है और क्या करेंगे जाने देते हैं डॉलर के नहीं ये 1.38 को टेस्ट कर चुके अभी ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है सो so, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ये 1.38 और इधर में एक है वन इसका एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है क्या इसमें रे, रेस्पेक्ट करके फिर वापस नीचे आएगा या तोड़ फोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा इसको हमें देखना है इकहत्तर कल का एनालिसिस परसों का एनालिसिस देखिएगा तीन तीन बार फॉल्स ब्रेकडाउन था फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद ऊपर जाना था यहाँ पे एक अलर्ट था इस ट्रिपल बॉटम को ब्रेक नहीं करना चाहिए इन सच केस देर आर हायर पॉसिबिलिटीज की ऑसिडल में मूव टुवर्ड्स पॉइंट अभी लगता है ऊपर तो जाने नहीं दिया बाजार चलो नीचे ही चलते सो so, एक पॉसिबिलिटी है आई नॉट से ये नीचे जाएगा

84 का जो previous है, है। इसके बीच में को को रहने देते हैं। ए मिडिल को हमें करना 4.96, जीडीपी डाटा विल गिव द फर्दर क्लियरिटी क्या ये और भी ऊपर की तरफ जाएगा जा? और भी ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें थोड़ा सा संभाल के बैठना है

लेके से डाउन होता है है है। है। या ऊपर ऊपर की की तरफ तरफ जाते तरफ जाता जोन जीपीपी डॉलर स्विंग को टेस्ट करने चल रहा है। क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके या सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा कॉस्ट इस स्विंग लो को तोड़ना नहीं है अगर इस पर हायर है हायर लो करके ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में जाना है डॉलर यन 150.50 क्रुशियल जो 150 लेवल है उसके ऊपर चला गया है एंड डॉलर रुपी साइडवाइज कॉन्सिलेशन जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेगा ट्रेडर्स को इस रेंज के अंदर में एक बार ब्रेकआउट होने के बाद उतना ही एक मूवमेंट होगा अभी ऊपर की तरफ मूवमेंट या नीचे की तरफ हुँ?

अच्छा लगा होगा इफ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स सर्कल दोस्त हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे